हेलो एस्पीरियंस, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, यानी कि जो भी टॉपिक्स रह गए थे वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफी, राइट। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मुझे मिलता रहेगा इकोनॉमिक्स के सीरीज़ पे, तो मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज़ फिर हम आर्ट एंड कल्चर पे ही ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें पढ़ना है डेमोग्राफी के बारे में। तो डेमोग्राफी होता क्या है, कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, वो सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अब डेमोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। अब जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना एग्जामिनेशंस में, वो इस तरह से आ सकते हैं, जैसे कि ये टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, या फिर जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट एलए, ये वाले जो एग्जाम्स होते हैं, या फिर एसएससी तक, उसे ऊपर के नहीं, नॉट इन यूपीएससी, बट जो थोड़े छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस इस तरह से भी आ जाते हैं कि ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। डेमोग्राफी जो है ग्रीक वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है डेमोज, एक है ग्राफो, राइट। डेमोज का मतलब होता है द पीपल, लोग, एंड ग्राफो का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट, मेजर करना, मापना, राइट। अब यहाँ से डेमोग्राफी का मतलब क्या बनता है, कि लोगों को मापना या लोगों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करना। अब एग्जैक्टली क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, डेमोग्राफी में आता है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, जो मनुष्यों की जनसंख्या है, ठीक है, ह्यूमंस की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी स्टडी करना, कि बच्चे कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने इलिटरेट हैं, वो सब कुछ, ठीक है। एग्जामिनिंग द साइज, स्ट्रक्चर एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स, इसमें साइज, स्ट्रक्चर, कुछ उनके स्टेटिस्टिक्स, जैसे कि बर्थ, अब हम पढ़ते हैं ना कि इतने जो है बर्थ रेट कम है, ज़्यादा है, मैरिज कितनी उम्र में हो रही है, डेथ रेट क्या है, वो सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। अब जो डेमोग्राफी के रूट्स हैं, ठीक है, कि डेमोग्राफी जो है किसने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताया, अब हम वो पढ़ेंगे, राइट। सो डेमोग्राफी के रूट्स आपको मिलेंगे नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस, ये एक वर्क था जॉन ग्रांट का, 1662 में इन्होंने ये वर्क जो है पब्लिश कराया था, या छापा था, या लिखा था, साल नहीं पूछेंगे, ऐसा पूछते हैं कि इसके रूट्स हमें मिलेंगे नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस में, जो कि जॉन ग्रांट के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये एक इंग्लिश स्टेटिस्टिशियन थे, और इन्हें फादर या फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी भी कहा जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फादर और फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी किसे कहते हैं, जॉन ग्रांट को कहते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस तरह से आ सकता है कि जॉन ग्रांट ने अपने कौन से वर्क में जो है डेमोग्राफी का जिक्र किया था, तो वो थी नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस। एक ये, एक ये, एक ये, ये तीन चीज़ें आपको रट लेनी है। अब देखिए, रूट्स तो आपको डेमोग्राफी के यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया, अब हम वो जानेंगे। सो दिस टर्म वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय बेल्जियन स्टेटिस्टिशियन। बेल्जियन स्टेटिस्टिशियन थे एक, जिन्होंने इस टर्म को सबसे पहले क्वाइन किया, क्वाइन किया मतलब यूज़ किया, सामने लाया, तो वो थे एशल गुलियार्ड। एशल गुलियार्ड ने 1855 है, ये 85 नहीं है, 1855 में इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था इन हिज पब्लिकेशन, इनका जो वर्क था उसके अंडर। इनका वर्क क्या था, एलिमेंट्स डी स्टेटिस्टिके ह्यूमेन ओ डेमोग्राफी कंपेयर, ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में है, बट आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टर्म को सबसे पहले एशल गुलियार्ड ने यूज़ किया, फादर और फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्रांट कहे जाते हैं, उन्होंने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले डेमोग्राफी का जिक्र किया था। अब डेमोग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, मोटा मोटा सा मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन दे दी है, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड मच मोर, ठीक है। अब देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो ये तो सारी थी बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ठीक है, बट मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग जो है वो हाई लेवल एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल मीडियम से लेवल का पढ़ाऊंगी, ताकि सबका जो है इसमें से बढ़िया से नोट्स बन जाएं। हमें इसमें पढ़ना है डेमोग्राफिक स्टेजेस के बारे में, पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इन तीनों को भी नेग्लेक्ट करने का सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसके बाद हम सेंसस 2011 भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2021 का तो अब जो है पोस्टपोन किया गया है 2023 के लिए, अब देखते हैं आता है नहीं आता है, क्या होता है ना, बट हमें 2011 का तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए,
फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफिक स्टेजेस। 5 स्टेजेस हम इसके अंडर पढ़ेंगे, इसे डेमोग्राफिक साइकिल भी कहते हैं। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि बोरिंग होगा, कैसे हम समझेंगे, बट बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इंटरेस्टिंग है, और एक बार अगर आप ध्यान से सुन लेंगे ना बस आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। एक बार सुन लीजिए फिर उसके बाद बेशक नोट्स बनाइएगा अगर समझ में आता है, ठीक है। डेमोग्राफिक स्टेजेस पढ़ना है जिन्हें डेमोग्राफिक साइकिल्स भी कहते हैं। टोटल है 5, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो स्टेज नंबर 1 आती है वेयर बर्थ रेट इज़ हाई एंड डेथ रेट इज़ ऑल्सो हाई, जहाँ पे ज़्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है, ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। अब बर्थ रेट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कोई फैमिली प्लानिंग का नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर देखें ना पुराने बुजुर्गों के 8-8 बच्चे होते थे, है ना, अगर अपने हम दादा वगैरह की बात करें, फैमिली प्लानिंग का इतना नहीं पता था और पॉपुलेशन कंट्रोल करने हैं, मेजर्स लेने हैं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। डेथ रेट हाई क्यों था, लोगों की ज़्यादा मृत्यु क्यों होती थी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, है ना, इसलिए। अब पहले स्टेज है ये हमारी जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई हैं, तो ये बन गई आपकी हाई स्टेशनरी स्टेज। अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं, इस टाइम पे बर्थ रेट तो हाई था बट डेथ रेट लो हो गया, मतलब अभी भी फैमिली प्लानिंग नहीं आई थी तो वैसे ही जो है बच्चों का जन्म हो रहा था, लेकिन डेथ रेट लो था, मतलब सम मेडिकल फैसिलिटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड, वर मेड अवेलेबल, कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, अच्छी फैसिलिटीज़ आई, तो लोगों की मृत्यु होना कम हुई। इसे कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी। कैसे, बर्थ रेट बढ़ रहा है लेकिन लोगों की डेथ कम हो रही है ना, तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन थोड़ी मेनटेन रह रही है अब, है ना। तो ये अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज आई, और ये आपको मिलेगी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये चीज़ राइट नाउ चल रही है कि डेथ रेट बहुत कम है, बर्थ रेट जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाली स्टेज यहाँ पे है, वे बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। अब तीसरी स्टेज आती है इंडिया की, यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया है, यहाँ पे इंडिया में क्या चल रहा है वो हम पढ़ेंगे, तो ये तो आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा, है ना। तो स्टेज नंबर 3 में आता है वे बर्थ रेट इज लो एंड डेथ रेट इज वेरी लो। बर्थ रेट कम हो गया है और डेथ रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये स्टेज बनी आपकी लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, जो कि इंडिया में अभी हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, है ना, क्या मतलब है इसका। बर्थ रेट लो है मींस पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग, बर्थ रेट कम है लेकिन डेथ रेट उससे भी कम है, है ना, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ पे कंसेप्ट आ गया है फैमिली प्लानिंग का, लेकिन लिमिटेड अवेयरनेस है, ठीक है, इसलिए बर्थ रेट कम हो गया क्योंकि फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हो गई है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से अच्छी आ गई है, तो डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन डेथ भी बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, तो लेट एक्सपेंडिंग की पॉपुलेशन बढ़ रही है, है ना। अब इसे कहते हैं हम बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, लेट एक्सपेंडिंग इंडिया स्टेज नंबर 3 इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इंग्लैंड और जर्मनी में क्या चल रहा है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब स्टेज नंबर 4 आपकी आती है वेयर बर्थ रेट इज वेरी लो एंड डेथ रेट इज वेरी लो, दोनों चीजें लो हैं, मतलब लो स्टेशनरी स्टेज है इंग्लैंड, इस चीज का इफेक्ट इंग्लैंड पे पड़ रहा है, इंग्लैंड में आपको ये देखने को मिलेगा। वेयर बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, ठीक है, दोनों ही वेरी लो हैं एंड इट इज समहाउ रिलेटेड टू स्टेज 1। अब आप बोलेंगे स्टेज 1 से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे बर्थ रेट इक्वल है डेथ रेट के। फर्स्ट स्टेज पे अगर हम वापस आए तो देखिए यहाँ पे भी बर्थ रेट इक्वल है डेथ रेट के, हाई है लो है वो बात नहीं हो रही बट इक्वल है, इक्वेशन आपकी सेम आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लो स्टेशनरी स्टेज, वो थी आपकी हाई स्टेशनरी स्टेज, हाई और लो का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, मतलब जो एक तरह से पॉपुलेशन आप कॉन्स्टेंटली समझ लीजिए, बर्थ भी बहुत कम हो रहा है, डेथ भी बहुत कम हो रही है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, फैमिली प्लानिंग का तो आजकल आपको पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही है, वैसे तो चाइना ने अडॉप्ट किया बट आजकल हर जगह यही हो रहा है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बच्चों को पढ़ाना बड़ा करना तो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो वन चाइल्ड पॉलिसी काफ़ी लोगों ने खुद से ही अडॉप्ट कर लिया है ना, सरकार बोले या ना बोले। अब फिफ्थ स्टेज आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी बताऊंगी। सो बर्थ रेट इज वेरी वेरी लेस एंड डेथ रेट इज ऑल्सो वेरी लो, बर्थ रेट तो बहुत ही कम है बट डेथ रेट भी काफ़ी कम है, तो यहाँ पे बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट, ये है डिक्लाइनिंग स्टेज, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन हर साल कम कम ही हो रही है,
समझ रहे हैं, क्योंकि डेथ रेट तो कम है लेकिन बर्थ रेट उससे भी कम है। अब जब बच्चे ही नहीं पैदा हो रही और डेथ तो होगी, हम बर्थ को एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, डेथ को तो नहीं हम कंट्रोल कर सकते। डेथ में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी इंसान की बढ़ा सकते हैं, है ना, लेकिन डेथ तो होनी होनी है ना। तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है ना। तो ये चीज़ जर्मनी में जो है हो रही है, और जर्मनी में आप देखेंगे ना कि जो लोग बाहर जाना पसंद, जैसे कनाडा जाना पसंद करते हैं पंजाबीज, ऑस्ट्रेलिया का बहुत क्रेज़ है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, जर्मनी है, फ्रांस है, और इन कंट्रीज़ में ज़्यादा न्यूजीलैंड हो गया है ना, यहाँ पर एजुकेशन का ज़्यादा है, नॉर्वे हो गया। तो अब जर्मनी वहाँ पर ऐसा है कि आपका आना भी फ्री है, आपका सब फ्री है, बस आपको ट्यूशन फीस देनी होगी। तो आप वहाँ पर आएँ और जर्मन सीख के आएँ, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं, यूथ है ही नहीं, इसलिए। ठीक है, हमने डेमोग्राफिक स्टेजेस पढ़ी, डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ी, और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ना, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझनी है चीज़ें, इट्स नॉट अबाउट रटाफिकेशन की रटना है। अब एंशियंट में है, उसमें आता ना कि ये दरबार है, वो दरबार है, और बहुत सारे कोर्टियर्स होते हैं, तो हमें याद करने होते हैं उनके नाम, दीवाने खास है, दीवाने आम है, जो भी है, हम रटते हैं उसको, और सच्ची बात है ये। लेकिन इकोनॉमिक्स में समझना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है कि जर्मनी रिसेंटली ये स्टेज फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज है, लो स्टेशनरी स्टेज है, लेट एक्सपेंडिंग है, क्या है, तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक बार जब पढ़ ही रहे हैं और जब मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, एंड रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड है आपके एग्जाम का, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए, इसी के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी हमें एक और चीज़ पढ़नी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है ना, ट्रेंड क्या है। तो देखिए, डेथ रेट हाई एंड बर्थ रेट इज़ ऑल्सो हाई, लोगों की डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्थ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। डेथ ज़्यादा क्यों हो रही है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको आप ऐसे कीजिएगा क्रॉस में, डेथ ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बर्थ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो भी डेवलपिंग डेवलप होना भी स्टार्ट नहीं हुई है, डेथ भी ज़्यादा हो रही है, बर्थ भी ज़्यादा हो रहा है, सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं बनाया, ठीक है, उस तरह से चल रहा है। सेकेंड आता है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी होती है, विकासशील देश, जो विकास की ओर अग्रसर है, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, डेथ रेट इज़ लो बट बर्थ रेट इज़ हाई। नो डाउट फैमिली प्लानिंग का नहीं पता, पता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है, डेथ रेट कम हो गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी। थर्ड आता है, डेथ रेट इज़ लो एंड बर्थ रेट इज़ ऑल्सो लो। डेथ कम हो रही है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बर्थ रेट कम है क्योंकि लोगों को नॉलेज है, अवेयरनेस है फैमिली प्लानिंग की, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स का पता है ना। तो ये चीज़ आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि विकसित देश है, जैसे कि इंग्लैंड है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो विकसित देश है। नाउ एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड हेयर, हर एक चीज़ सरकार के अंडर है, हर एक चीज़ कंट्रोल्ड है, उसके लिए स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें भी पता होना आपको ज़रूरी है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, डेवलपिंग में क्या चल रहा है, डेवलप्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इस पेज पे हमने दो चीज़ें पढ़ी, बट नेक्स्ट पेज पे जो हम पढ़ेंगे वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। हम पढ़ते हैं ना कि 1921 इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्यों बोलते हैं उसको ग्रेट डिवाइड का, ये क्या है वो कंसेप्ट, वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो बस आपसे एक बार इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल का लिंक शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ दिस इज़ द लास्ट पेज जो हम इस वीडियो के अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो डेमोग्राफी के कुछ टॉपिक्स और भी रहते हैं, सब टॉपिक्स इसके अंडर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है रटने वाला नहीं, इसमें समझने वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, इसे आप बेकार टॉपिक ना समझेंगे, स्किप कर दिया, ये वाला पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बुक्स में भी मिल जाएगा, बट जिस तरह से मैं यहाँ पे समझाऊंगी, हर एक कंसेप्ट मैंने अलग अलग जगह से उठाया, वो आपको एक जगह पे आए गारंटी कि नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ये मिल जाएगा कि इसे ये कहते हैं, ये है, लेकिन जिस तरह से एक्सप्लेन किया है एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, वो मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगी। तो बस आप सुनते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, वो ट्रेंड हमें पढ़ना है, और ऐसा नहीं हर साल का, मोटा मोटा पढ़ेंगे, चार लेवल्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है।
फर्स्ट आता है 1891 टू 1921, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, विच मीन्स लिटिल और नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। वैसे तो इसको माने आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो ही नहीं रही है, ठीक है, वो स्टेज आई है। फिर 1921 से 51 आता है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1951 टू 1981 पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। नाउ 1981 टू 2011 इसमें आता है पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट, अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग आ गया है ना, फैमिली प्लानिंग करनी है कि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेजर्स आ गए लोगों में, अवेयरनेस हुई लोगों में, अंडरस्टैंडिंग हुई, नॉलेज आई, तो फिर डिक्लाइनिंग रेट की पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे पीरियड आ गया, ठीक है। अब ये चार चीज़ें हमने पढ़ी है तो आपको रट लेनी है, स्टेगनेंट स्टडी हाई डिक्लाइनिंग, स्टेगनेंट स्टडी हाई डिक्लाइनिंग, रट लो। क्वेश्चन आता है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1921 इज कंसीडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में नहीं हम बात कर रहे, शुरू में मैंने बताया हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो 1921 बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है, ये 1921, क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन ना के बराबर थी और उसके बाद पॉपुलेशन फिर बढ़ती गई है। अब इसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, इसकी बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आप सुनेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं। देखिए, बिकॉज अब इसी की एक्सप्लेनेशन है ये सारी, ठीक है, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्केर्स एट दैट टाइम, 1921 तक पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम थी, एंड आफ्टर 1921 इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ हैड रिमेंड कंसिस्टेंट। 1921 तक पॉपुलेशन ना के बराबर बढ़ती थी, कई बार डिक्लाइन भी हो जाती थी, लेकिन इसके बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि लगातार बढ़ती गई, लेकिन मैम ने तो कहा कि यहाँ पे लास्ट में डिक्लाइनिंग रेट आया, जिस रेट के साथ बढ़ती थी उस रेट के साथ नहीं बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है पॉपुलेशन यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ थे तो यहाँ पे 2 करोड़ हुए, लेकिन जो ग्रोथ रेट था ना वो डिक्लाइन हुआ। अगर यहाँ पे 10% बढ़ता था हर साल का तो यहाँ पे 7% हुआ, 8% हुआ, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, रेट यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, इस चीज को समझे आप, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखें, 1921 तक पॉपुलेशन बहुत कम ही होती थी, ना के बराबर बढ़ती थी, उसके बाद पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली बढ़ती गई, ठीक है। एंड आफ्टर 1921 आया ईरा ऑफ ग्रेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जनसंख्या विस्फोट हुआ है ना। अब आज के डेट में देखिए पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, इंडिया की पॉपुलेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है, अब तो नंबर वन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन रहा है इंडिया, है ना। नाउ ईरा ऑफ ग्रेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया, मतलब जनसंख्या विस्फोट हुआ 1921 के बाद, रीजन क्या रहा, कोई कारण भी तो होगा, रीजन रहा डिक्रीज इन डेथ रेट ड्यू टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। बच्चों की पैदाइश तो अब देखो कंट्रोल कर ली हमने, लेकिन जो डेथ रेट है ना वो भी कम हो गया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से अच्छी आ गई, लोगों की कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी क्योर हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना बीमारियां उनका इलाज आ गया, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो गई, हर जगह पे आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, डिस्पेंसरीज मिल जाएंगे, एटलीस्ट विलेज लेवल पे भी आपको डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी, तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से डेथ रेट इंक्रीज हुई, लोगों की मृत्यु कम हो रही है, बच्चे तो उसी रेट से पैदा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन विस्फोट हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि 1911 टू 1921 क्या हुआ, 1911 से 1921 के बीच में 0.39% डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन कम हुई, लेकिन 1921 से 1931 के बीच में 11% इंक्रीज हुआ, 1931 से 1941 के बीच में 14% इंक्रीज हुआ, तो आगे इंक्रीज ही होता जाएगा, बेशक 14 के बाद 10% आ जाएगा, 9% आ जाएगा, 13% आ जाएगा, पर इंक्रीज ही होगा, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना, इसलिए इसे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो पॉपुलेशन का ट्रेंड रहा वो बढ़ता गया, इससे पहले कम होता था, ठीक है। अब देखिए आज के लिए इतना ही, जो मैंने पढ़ाया आई होप आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। देखिए आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि डेमोग्राफी से रिलेटेड हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया,
और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, माइग्रेशन हो गया, वैसे बहुत लेंथी वीडियो वो नहीं होगा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तब तक के लिए आप इन नोट्स को रिवाइज करें, करंट अफेयर्स पे फोकस करें, अपना स्टैटिक जीके पढ़ते रहे, अपने जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पढ़ते रहे, एंड मैं कोशिश करूंगी कि इकोनॉमिक्स को मैं कंटिन्यू रखूं, बट मेन फोकस मेरा अभी आर्ट एंड कल्चर है कि डेली मेरा टारगेट है कि 2 वीडियोज उसके अपलोड हो जाए। इकोनॉमिक्स की कोशिश मेरी रहेगी कि एटलीस्ट 2 दिन में 1 वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूं, क्योंकि इसके लिए ना बहुत स्टडी करनी पड़ती है, अलग अलग जगह से रेफर करना पड़ता है डेटा, कोई चीज छूट ना जाए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊं चाहे 2-3 दिन में, बट बहुत अच्छे से पढ़ाऊं और हर एक डेटा, हर एक पॉइंट उसमें कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम सेंसस भी पढ़ेंगे 2011 का, क्योंकि 2021 में जो होना था वो तो 2023 के एंड तक शिफ्ट हो गया, पता नहीं आता है नहीं आता, तब तक तो हमें सेंसस 2011 का ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो मोटा मोटा पढ़ लेंगे। फिर जब 2023 में आना है इस साल एंड में, तो फिर उसकी तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it and see you soon.